हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पत्र को। ये पत्र होगा रेलवे पटरियों पर तोड़फोड़ के मामले में रेल मंत्रालय को पत्र। ठीक है, आप इस टॉपिक को जो तैयार करिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, और निबंध और लेट पत्र दोनों ही एक ही बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से आपको दो बुक लेने की जरूरत नहीं है। विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर। राइट फ्रेंड्स, अपने एग्जाम के लिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट, तो इस तरह से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में कि आप गौरव या फिर अंशिका हैं, रेलवे पटरियों पर तोड़फोड़ के प्रयासों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए रेल मंत्रालय को एक पत्र लिखें। ठीक है, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। शुरुआत कैसे करोगे? देखिए गाइस, जब आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो परीक्षा हॉल या फिर परीक्षा भवन। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे न्यू दिल्ली या जो भी प्लेस का नाम होगा जहाँ पर आप पेपर दे रहे हो। राइट, उसके बाद आपको लिखनी है डेट, जो भी करेंट डेट होगी वो आप ये लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, आप लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस में रेल मंत्री, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली। ठीक है, इस तरह से तीन लाइन में आपको एड्रेस लिखना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विषय लिखोगे आप, जैसे रेलवे पटरियों पर तोड़फोड़ के प्रयास के संबंध में पत्र, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये विषय हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको शुरुआत करनी है इसकी, तो आदरणीय महोदय से शुरुआत कर सकते हो। मुझे यह देखकर बहुत पीड़ा हो रही है कि रेलवे पटरियों पर तोड़फोड़ के मामले बढ़ रहे हैं और हाल ही में तोड़फोड़ के लगभग 50 मामले सामने आए हैं। कई आतंकी समूह रेल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि आप बता सकते हो कि जो तोड़फोड़ के मामले हैं रेलवे पटरियों के आसपास और रेलवे पटरियों पर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, और ये बता सकते हो करेंटली जो है 50 मामले सामने आए हैं। राइट, जो कि एक बड़ा गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, बड़ा एक गंभीर खतरा है रेलवे के लिए। ठीक है, रेलवे सुरक्षा के लिए। राइट, इस तरह से शुरुआत आप कर सकते हो। इस तरह के कई प्रयासों को रेलवे के सतर्क कर्मचारियों ने नाकाम कर दिया, लेकिन यात्रियों को लगातार इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रेलवे का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि कई तरह के प्रयास जो हैं ऑलरेडी रेलवे के सतर्क कर्मचारियों ने इस तरह के जो प्रयास थे उसको नाकाम किया, और लेकिन यात्रियों को अभी भी इस परेशानी का सामना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से रेलवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ों को लिख सकते हो। राइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेल मंत्रालय को ये समझना चाहिए कि भारत की सुरक्षा काफ़ी बड़े पैमाने पर दांव पर है, और इसलिए विभिन्न खुफिया एजेंसियों से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे इस असामान्य जोखिम को रोकने के लिए एक दूसरे और रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रयास करें। ठीक है, यानी कि सभी जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं वो भी साथ में मिलकर काम करें, रेलवे कर्मचारी भी एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयास करें, ताकि ये जो जोखिम है, ये जो खतरा है, इसको ख़त्म किया जा सके, इसको रिड्यूस किया जा सके। राइट, इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को गंभीरता से देखेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि यह देश की सुरक्षा का मामला है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर लास्ट लाइन आप लिखोगे। उसके बाद आपको लिखना है धन्यवाद, सादर, जो भी नाम आपका दिया गया वो आप नाम यहाँ पर लिख लोगे। राइट, तो इस तरह से गाइज आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरह से बेहतर तरीके से। राइट, और आई होप आपको समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर हेल्पफुल लग रहा हो आपको ये सीरीज़, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन दे सकते हो, और आप मुझे अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर के। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।